थैंक यू सो मच। और पार्ट टू का ये है कि पहले आया था हमारा ब्लैक कार, और ब्लैक कार बहुत अच्छा, हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा आया फ्रॉम टी सीरीज़। और अभी हमारा ब्लैक कार रिटर्न आ रहा है, इसका भी रिस्पांस अभी बहुत अच्छा आ रहा है। अभी ऑलमोस्ट 8 आवर्स में 1 मिलियन होने वाला है गाना, और होप फॉर द बेस्ट। अभी फिंगर क्रॉस है, देखते हैं और भी अच्छा होगा। अभी अच्छे काम को तो वक्त लगता ही है, और उससे उसके बाद जो गाने आए वो ब्लैक, अपना दिल करदा आया, बीमर आया, और भी उसके बाद में लाइनअप थे हमारे गाने, तो अकॉर्डिंगली हमने करना था। टी सीरीज़ के हिसाब से भी हमें काम करना होता, तो इस करके अभी गाना हमने एक्चुअली लॉकडाउन से पहले ही बनाया था, फिर लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद अब फैब में हम रिलीज़ कर रहे हैं गाना। मेरी एक्चुअली बात, जब हमारा ब्लैक कार पहला ही गाना आया था और वो ह्यूज अच्छा गाना हिट हो गया था हमारा, मतलब ओवरसीज़ बहुत अच्छा गाना गया था, तो तभी हमारा हो गया था कि पाजी हम ऐसे करते हैं कि ब्लैक कार रिटर्न भी करते हैं साथ में, तो उसको लेके हमारा हुआ था मीटिंग। शाम के बारे में अभी सब आएंगे, आप देखना एक एक करके, अच्छा होगा इवनिंग, और होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। अभी पाइपलाइन में अभी आई एम डूइंग इन बॉलीवुड ऑल्सो, तो अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सी फिल्म में आ रहा है या कौन सी सीरीज़ में आ रहा है, बट अभी आई एम डूइंग माय वर्क, वर्किंग हार्ड एक्चुअली। आई लव माय फैंस, आई लव माय फ्रेंड्स, आई लव माय फैमिली, यू नो, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरा गाना देखते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं मेरे, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सो अच्छा लगता है। बॉलीवुड को तो ऑलरेडी कर ही चुका है, बॉलीवुड में हर फिल्म में एक पंजाबी गाना तो होता ही है, और अभी तो सब लोग देख ही रहे हैं वो चीज़। ब्रांड देखो, वो जितनी अच्छी उसका जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा उस हिसाब से वो आगे कर सकेगा काम, है ना। सो ये है, पंजाबी चल रही है आज का, पंजाबी गाने चल रहे हैं और बॉलीवुड में भी चल रहे हैं, तो अच्छा है, होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। हाँ, मैं भी दिस वन ऑल्सो वॉज कोलैबोरेशन ओनली विद डीजे सरताज, इज़ फ्रॉम USA एंड राइट नाउ ही इज़ इन USA, और अभी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, और हम साथ में हम और काफ़ी गाने कर रहे हैं। थैंक यू। एक रैप ट्रैक है दिल संधू, जो आर्टिस्ट हैं उसमें, वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे हमारे, तो इसलिए उनको सपोर्ट करने आए इधर, और गाना द सॉन्ग इज़ फैंटास्टिक है, गाना बहुत अच्छा लगा, उनकी रैपिंग बहुत अच्छी, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, तो जिसके हमें तो सपोर्ट है। I wish him all the best and I hope he keeps removing new tracks again and again. मैं चाहता हूँ कि वो जुल्फी के साथ एक अच्छा सा कोई ट्रैक बनाए, म्यूजिक बनाए, और आई होप अभी ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा, ऐसे बता नहीं पाएंगे। I want to see him singing live. We are looking for that. गाने का नाम है ब्लैक कार, हमारी भी कार ब्लैक है, तो इसलिए देखना चाहेंगे। अभी पंजाब के अंदर बहुत टैलेंट है, वहाँ के सिंगर्स बहुत बड़े स्टार्स बन गए, और अभी भी आप देखोगे बादशाह, गुरु रंधावा, इतने लोग हैं बॉलीवुड पिक्चरों में भी, ज़्यादातर आप देखेंगे पंजाबी गाने, तो सभी लोग पसंद करते हैं पंजाबी कल्चर को, पंजाबी सॉन्ग्स को, तो आई थिंक वो तो हमेशा से रहा है पंजाब का, म्यूज़िक के अंदर जो इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा है, यहाँ से बहुत सारा टैलेंट हमारा बॉलीवुड में आया है, बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत स्टार बने हैं, तो यही चाहते हैं कि हमारे दोस्त दिल संधू भी उसी लेवल पर जाए, उतने बड़े स्टार बने। या इन फ्यूचर विल वर्क विद दिल संधू, वी आई डोंट हैव नो आईडिया, एम संधू प्रोडक्शन, वो एम संधू बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं एक्चुअली, खर्चा बहुत करते हैं वीडियोज़ में, एंड वेरी स्टाइलिश शूट्स इन अब्रॉड, उनका ये शायद ऑस्ट्रेलिया में शूट किया था, दुबई में शूट करते हैं, तो उनके वीडियोज भी जो शूट करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, वेरी स्टाइलिश। आई वॉन्ट देम टू डाउनलोड द ट्रैक और सुनते रहिए गाना, इट्स कॉल्ड ब्लैक कार बाय दिल संधू, ब्लैक कार रिटर्न बाय दिल संधू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।